सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जमकर लताड़ा, आदेशों को अनदेखा करने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, हमें मजबूर न करो वरना। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमकर फटकार लगा है। साफ लफ्जों में कह दिया, अगर हमारे आदेश को नहीं माना तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। 29 अगस्त का अल्टीमेटम भी दे दिया। योगी सरकार के अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है, छूटने लगा है पसीना। आखिर मामला क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार पर जमकर भड़क गई, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को आदेश दिया था कि कई उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर 3 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें, लेकिन इस आदेश को साल भर से भी ज्यादा यानी 14 महीने हो गए। इसके बावजूद कई कैदियों की समय से पहले रिहाई की याचिकाओं पर अभी तक फैसला नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के उदासीन और लीट लतीफ रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति राज्य सरकार के मन में थोड़ा भी सम्मान नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंध में अदालत के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार लगभग 1 साल से उपेक्षा बरत रही है। आदेश पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, हमें उठाने पड़ेंगे कड़े कदम। अधिकारियों के ढिठाई भरे रवैये से नाराज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रति जितना नादर दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें अब कठोर कदम उठाने ही होंगे। आपके अधिकारियों के मन में कोर्ट ऑर्डर के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है, क्या आपके राज्य में ही हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया, यदि यूपी के संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ताओं की समय पर रिहाई के सभी लंबित आवेदनों पर महीने भर में फैसला नहीं करेंगे तो राज्य के प्रमुख गृह सचिव को 29 अगस्त को अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर पेश होना होगा। तब उन्हें अदालत को बताना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन 1 साल तक क्यों नहीं किया गया, 14 महीने पहले दिए गए आदेश का नहीं हुआ पालन। अदालत की नाराजगी इस पर थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर 3 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें, लेकिन इस आदेश को साल भर से भी ज्यादा यानी 14 महीने हो गए। इसके बावजूद कई कैदियों की समय से पहले रिहाई की याचिकाओं पर अभी तक फैसला नहीं किया गया। पीठ ने मई 2022 में दिए अपने पिछले आदेश में इस तथ्य पर जोर दिया था कि सभी याचिकाकर्ताओं की अपनी वास्तविक सजा में 14 साल से अधिक की अवधि बिना छूट के पूरी कर ली है, वे सभी सेंट्रल जेल बरेली में बंद हैं। प्रदेश सरकार की सजा में रियायत नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कई निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार को किसी कैदी की सजा माफी याचिका उसके पात्र होने के 3 महीने के भीतर निपटारा करना ही होगा, ऐसा करने के लिए वह बाध्य है। कई अपराधियों को रिहा करने का दिया था आदेश, पिछले साल शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले 42 अपराधी कैदियों में से कई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी माफी याचिका के आधार पर फैसला आने तक रिहा करने का आदेश दिया था या बरी कर दिया था। तब हाईकोर्ट और अन्य प्राधिकरण के सामने समय से पहले रिहाई के लिए कम से कम 7 ऐसे आवेदन लंबित थे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंध में उसके निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 साल की देरी की निंदा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मन में देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं है। राज्य सरकार के कहने पर कि राज्यपाल जो राज्य की सजा माफी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने वाले संवैधानिक प्राधिकारी को अदालत द्वारा आदेशित समय सीमा के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा, पर जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, सरकार को फैसले लेने ही होंगे।